हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह फ्रॉम अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्डिंगर इक्वेशन लास्ट सेशन वी हैव स्टडीड द शॉर्डिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट टाइम इनडिपेंडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दैट इक्वेशन इन आवर सिलेबस एक ही सिलेबस है सिलेबस में एक ही इक्वेशन एक ही एप्लीकेशन है दैट इज द पार्ट इन वन डी बॉक्स एंड दैट बिलोंग टू द मॉड्यूल थ्री quantum mechanics and of our subject physics. Now after this session a student will able to uh, explain the Schrodinger wave function and its characteristics, evaluate Eigen and Eigen function for a particle in one dimensional box and solve the probability uh, and energy of a macroscopic particle in one dimension. Yani ki, वेव फंक्शन को अच्छी तरह समझ सकेंगे उसकी करैक्टरिस समझ सकेंगे अगर पार्टिकल से है रिलेटेड तो अगर मैथमेटिकल फंक्शन है वो ऐसा हो भी सकता है कि पार्टिकल से रिलेटेड ना कोई ऐसे ही फंक्शन हो तो वी हैव टू तो डिफाइन सम करेक्टरिस्टिक्स जिससे हम डिस्कस कर सकें कि नहीं ये जो पार्टिकल ये जो वे फंक्शन है दैट इज दैट बिलोंग टू द पार्टिकल और उसका फिर आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू समझेंगे और उस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे नाउ शॉर्डिंग वे फंक्शन देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग ऑफ शोडिंगर wave फंक्शन साई वाई बिकॉज साई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज मैथमेटिक्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रखा है साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बट मॉट साई स्क्वायर अगर निकालें तो देखें वो क्या आता है सो so, mod साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्टार साई तो साई इज ए प्लस आई बी या हम उसको exponential फॉर्म में ले सकते हैं ए प्लस आई बी से समझें सो साई स्टार इज ए माइनस आई बी कॉन्जुगेट हो गया उसका और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स ए ए माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकली देखते हैं ए ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ दिस रिजल्ट इज रियल एंड नॉन नेगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव रियल एंड पॉजिटिव so psi is complex number but mod psi having the value which is real and positive and that is known as probability density of that particle so with the help of mod psi square one can evaluate the probability energy linear and angular momentum of moving particle wave function contains all the dynamical information about the system it describes we have already studied so we can with the help of psi not directly but analyzing it evaluating it we can get lot information about the moving particle now further bond interpreted that wave function that the probability p that is the particular position at a particular instant of time of finding a particle position between एक्स एंड एक्स प्लस डी एस कोई दो पोशन के बीच में मान लीजिए लेट क्या सो बॉन्ड इंटरप्रेटेटेड दैट इफ वी हैव एन नाउ इफ देर इज ए पार्टिकल देन पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है उस वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के कहीं होने की संभावना है कहीं भी हो सकता है पार्टिकल ये अगर आपकी वेव है कहीं स्टार्ट हो रही है कहीं खत्म हो रही है ये ये मैटर वेव है इस मैटर वेव के अंदर कहीं हो सकता है तो हम अगर कोई रेंज डिफाइन करें x और एक्स प्लस डी एक्स इसके बीच में क्या होगा या हम ये कोई रेंज डिफाइन इसके बीच में क्या क्वेश्चन है क्या प्रॉब्लिटी है तो हम निकाल सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ मॉड साइज स्क्वायर सो पी एक्स टी

डिफाइन कर रहा है किसी मूविंग पार्टिकल को या मूविंग पार्टिकल से एक्चुअली एसोसिएटेड है ये हम लोग देखें इसकी मदद से निकाल सकते हैं कैसे यही अगर हम कह दें कि पार्टिकल डेंसिटी को इंटीग्रेट करें ओवर ऑल स्पेस ध्यान से देखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स ओवर ऑल स्पेस कहीं भी माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पर वैल्यू कर वन आती है प्रॉबलिटी इज वन मीन्स प्रॉबलिटी इज हंड्रेड परसेंट पार्टिकल एग्जिस्ट समर द प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑर ऑल स्पेस इज वन दैट इज पार्टिकल एग्जिस्ट समेयर कहीं ना कहीं पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये साई किसी पार्टिकल से रिलेटेड है अगर हमें निकालना हो कि पार्टिकल रिलेटेड है या हम जानते हैं कि ये साई पार्टिकल रिलेटेड है तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगी एंड दिस कंडीशन इज वन एज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सो इफ

जब भी हमें कहीं पार्टिकल के लिए फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन वैलिड है कि नॉन वैलिड है वी कैन जस्ट चेक इट बाय यूजिंग दिस कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जैसा कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि कोई x1 वन पोजिशन है कोई x2 टू पोजिशन के बीच में प्रॉबिलिटी निकालनी है तो जब प्रॉबिलिटी निकालनी होगी तब क्या करेंगे यहां जो माइनस इन्फाइट से प्लस इंफेनाइट की बात कर रहे थे अब रेंज को डिफाइन कर दें कोई x1 कोई एक्स टू और उसके बीच में देख लें कि इसी को इंटीग्रेट करना है एक्स वन टू एक्स टू मॉट साई स्क्वायर डी एक्स ना साई स्टार साई डी एक्स ये ध्यान रखें लिमिट्स आ गई एक्स वन टू एक्स टू सो so, अब हमें मालूम है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन एक्स वन से लेकर के एक्स टू के बीच में पार्टिकल के होने की संभावना पार्टिकल बहुत जगह बिलोंग कर रहा है इसके बीच में क्या संभावना है अब ये फिक्स पोजिशन है इट मे बी फर्दर अवे वहाँ पर क्या कहते हैं एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर बट इट कैन बी फर्दर अवे दूर भी हो सकता है नो अनदर फार्मूला दैट कैन भी यूज टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू वॉट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इट इज़ एक्चुअल द एवरेज वैल्यू अगर हम निकालते हैं किसी जगह पर कि हाँ ये मान लो कोई मैटर वेव है और इसमें कहीं पार्टिकल की क्या पोजिशन होगी तो बार, बार 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 निकालते हैं तमाम बार निकालते हैं तो जो एवरेज निकल के आएगा मतलब मैक्सिमम सर्टेनिटी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू कहीं पर निकल के आएगी एंड दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस वन दैट इज माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई डी एक्स सेम फार्मूला बट यहां पर देखिए एक्स आ गया ध्यान रखेंगे फार्मूले का डिफरेंस है मल्टीप्लाई नहीं एक्स है साई स्टार एक्स साई डी एक्स और लिमिट माइनस इन्फिनी टू प्लस इंफिनिटी दिस इंटीग्रल कैन बी इंटरप्रिटेड एज एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स दैट वी वुड एक्सपेक्ट टू ऑप्टेन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बार 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 अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो बहुत सारी वैल्यूज का जो एवरेज आएगा दैट कैन डायरेक्टली डिफाइंड बाई दिस वैल्यू ना फिर से अगर वेव से रिलेटेड फंक् पार्टिकल से रिलेटेड वे फंक्शन है

एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में तीनों के रिस्पेक्ट में दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस ये दोनों कंडीशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है और ये एडिशनल हो गया कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल हमने पहले डिस्कस किया कि साई क्या होना चाहिए अगर पार्टिकल से रिलेटेड है तो उसके होने की संभावना कहीं ना कहीं हंड्रेड परसेंट है तो ये कंडीशन हमेशा वहां फॉलो कर जाएगी तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगी अगर साई की बात कर रहे हैं एग्जाम में डायरेक्टली दो नंबर में पूछता है तो ध्यान रखेंगे इसको ना एप्लीकेशन ऑफ वेव इक्वेशन हमने शॉर्डिंगर इक्वेशन लास्ट टाइम पढ़ा दोनों थे टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट जैसा पहले बताया था फॉर नोन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी वे फंक्शन साई कैन बी एवेलुएटेड बाई यूजिंग टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्डिंगर इक्वेशन एज पर रिक्वायरमेंट हमें चेक करना होगा कि इक्वेशन में आखिर क्या दे रखा है कंडीशन कैसी है क्या टाइम डिपेंडेंट कंडीशन है या टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशन है उस हिसाब से पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें अप्लाई करके साई को निकालना होगा शॉर्डिंग इक्वेशन डिस्क्राइब द वे फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विच गिव प्रॉब्लमिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सो वी कैन गेट लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट रिलेटेड टू दैट पार्टिकल लाइक लोकेशन ऑफ पार्टिकल इट्स अमेंटम एक्सेट्रा इट कैन बी यूज अब इस इसके लिए आप किस तरह के पार्टिकल को लार्ज नंबर ऑफ केसेस कैन बी सॉल्व विद दी हेल्प ऑफ दिस शॉडिंगर इक्वेशन द सिंपलेस्ट वन इज पार्टिकल इन वन डी बॉक्स क्या होता है अभी देखते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट उसकी हाइट इनफाइनाइट भी हो सकती है फाइनाइट भी दोनों देख सकते हैं हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको हारमोनिक ऑसिलेटर पैराबोला एंड मैनी मोर दिमर ऑलवेज देर इज चेंज इन वी जैसे जैसे वी बदलता जाएगा केस चेंज होते जाएंगे और हम उस केस के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना ये भी पूछता है कभी कभी या हम एक्चुअली जब सॉल्व करते हैं निकालते क्या यही निकालते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन व्हाट इज दिस द वे फंक्शन फॉर ए गिवन फिजिकल सिस्टम कंटेंस द मेजरेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम जैसा पहले बताया कि वे फंक्शन अगर हम उसको लेके सॉल्व करते हैं समझते हैं एनालिसिस करते हैं तो हमें पार्टिकल के बारे में सिस्टम के बारे में तमाम जानकारी मिलती है टू ऑपटेन द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ फिजिकल पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल एनर्जी वन हैव टू ऑपरेट द वे फंक्शन विद द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर एसोसिएटेड विद दैट ऑपरेटर सो अगर हमें कोई पर्टिकुलर पैरामीटर को सॉल्व करना है तो हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर उस पर फंक्शन पे अप्लाई करना होगा देन वी कैन गेट द रिजल्ट जैसे कि अगर एनर्जी के लिए सॉल्व करना है तो हैमल्टोन ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा अभी लास्ट टाइम देखा हमने अगर एनर्जी के लिए वैल्यू निकालनी है तो हैमल्टोन ऑपरेटर सॉल्व करें देन वी कैन गेट दिस वैल्यू अगेन सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्डिंग इक्वेशन ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड दोज आर नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी ई एन ई एन सो इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यू large number of values that will depend upon the value of n we have written here en not e that means for n is equal to 1 2 3 4 and so on we can we can have different value of e and where n is the quantum number we will study in detail further the solution to the schrodinger equation for a given energy involved also finding the specific function which describe the energy state इनर्जी स्टेट्स भी कई तरह की हो गई डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर एंड दोज करस्पोंडिंग टू ईच आइगन वैल्यू देर इज एन स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज न आइगन फंक्शन एंड दैट इज डिस्क्राइब बाई साई एन सो अगेन विक हैविंग डिफरेंट इनर्जी वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट वी हैव डिफरेंट एनर्जी फंक्शंस दैट इज आई गन फंक्शन सो आई गन वैल्यूज एंड आईगन फंक्शन आईगन फंक्शन अगेन रिटर्न एज साई एन सो फॉर डिफरेंट क्वान वी कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट फंक्शन ये एग्जाम्पल हमने पहले देखा था दैट इज है साई एन इज इक्वल टू ई एन साइ एन सो साई एन यहां पर क्या हो गया दैट इज एनर्जी फंक्शन एंड ई एन क्या हो गया दैट इज इनर्जी आईगन वैल्यू सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वो हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले जब डेरिवेशन कर रहे थे तो यहां पर देखें जब एक ऑपरेटर कोई अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को जानने के लिए तो इस तरह से आपको इक्वेशन में रिजल्ट आता है ना द ओनली वन डिस्कशन वी हैव टू डू दैट इज पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स या पार्टिकल इन बॉक्स और पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल और पार्टिकल इन रिजिड वॉल इनफाइनाइटली हाई रिजिड वॉल दैट मीन्स दैट मीन्स अब यहाँ पर केस क्या है समझे हमारे पास कोई रेंज डिफाइन है फ्राम जीरो टू एल और इसके बीच में कहीं पार्टिकल है और इस रेंज के बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वी इज इक्वल टू जीरो है और बाहर क्या है बाहर v इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट मीन्स ये जो दीवारें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पोटेंशियल हाइट को और ये कितनी है इनफाइनाइट इनफाइनाइट बहुत ऊँची बहुत ऊँची इसका मतलब पार्टिकल जनरली बाहर नहीं आ सकता कुएं को कुएं आपने मेढक डाल दिया तो मेढक के लिए दीवारें कैसी इन्फाइनाइट हैं वो कैसे बाहर आ सकता है क्वांटम मैकेनिकली केस डिफरेंट होता है लेकिन फिलहाल दिस पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज दर इज ए दिस हाइट इज इनफाइनाइट इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेल वन डायमेंशन बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग द थ्री डायमेंशन केस भी होता है फाइनाइट पोटेंशियल भी होता है बट जब अपने यहां सिंपलेस्ट केस है दैट वी इज इक्वल टू जीरो सो ये टाइम इंडिपेंडेंट दिख रहा कोई time है कोई टाइम का फंक्शन नहीं यहां पर तो वी हैव टू यूज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और यहीं पर क्या पुट कर दें वी इज इक्वल टूर इन दिस केस सो वी हैव हियर वी इज्वल टू पुट कर दिया टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई अब क्या है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा तो इसकी जगह रख दें के स्क्वायर के स्क्वायर पुट कर दें क्या हो गया भाई वी हैव दिस डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो दिस इज स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सीधा रिजल्ट होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स देखें ना सोल्यूशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस एक्स हीयर वी हैव टू कॉन्स्टेंट्स दैट इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए एंड बी अनोन कॉन्स्टेंट्स वी हैव टू एवेलूएट दिस कॉन्स्टेंट दैन ओनली वी हैव दंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस साई सो पहले भी आपने इंटरमीडिएट में या पहले कभी पढ़ा होगा कि जब इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ कॉन्स्टेंट्स आता है कैसे सॉल्व करते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्स्टेंट बट यहां पर क्या है यहां पर हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन है अगेन रिमेंबर दैट फिगर बाउंड्री कंडीशन हैं यहाँ पर क्या था साई इज इक्वल टू जीरो यहाँ साई की वैल्यू थी यहाँ साई इज इक्वल टू जीरो और किस जगह पर यहाँ पर था एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वेल तो बाउंड्री कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो साई इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू वेल्व साई इज इक्वल टू जीरो बट इन बिटवीन साई वहाँ पर है और अगर ऐसा है तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है एक बाउंड्री कंडीशन तो ये है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दैट फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो साई इज इक्वल टू जीरो इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर तो देखें यहाँ पर साई इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर एक्स की जगह जो पुट किया तो साइन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो खत्म हो गया और कॉस जीरो इज वन सो ऑनली रिजल्ट वी हैव बी इज इक्वल टू जीरो तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करने पर रिजल्ट आ गया बी इज इक्वल टू जीरो अगर ये वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट है ये रिजल्ट है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स अगेन वी डोंट नो द ए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें यहाँ देखें एक्स इज इक्वल टू एल साई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू एल के लिए साइन इज इक्वल टू जीरो आ गया भाई यहां देखें इसमें ये साइन जीरो साइन के एल साइन के एल इज इक्वल टू जीरो साइन के एल इज इक्वल टू जीरो तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो की जनरल वैल्यू एन पाई एन पाई याद आ रहा है माइनस वैल्यू नाम करें प्लस की बात करें एन पाई तो एन पाई के लिए अगर डिस्कस करें तो देखो यहां पर हो गया के एल थीटा की जगह यहां पर क्या है के एक्स L put here, k l and that is equal to n pi or k is equal to n pi by l. So, we have now value of k in terms of l known value where n is equal to 1, 2, 3 and so on, this is known as quantum number having positive values, integer values. Now by using equation number 2, equation number 2 that is k square. So, we have k is equal to actually under root 2 m h e. अंडर रूट टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई अगर अंडर रूट में रखें तो ये वैल्यू अगर आपने के एल इज इक्वल टू एन पाई में पुट कर दी तो वी कैन गो फॉर द वैल्यू ऑफ ई एंड सिंस दिस इज नॉट एक्चुअली अब ये ई नहीं रह गया क्यों दिस इज डिपेंड अपॉन एन वे एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन सो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ई वैल्यूज वेन वी पुट वैल्यू एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन सो दिस इज नोन एज ई एन

एन की वैल्यू वन पुट किया कुछ वैल्यू एन की टू वैल्यू पुट किया कुछ वैल्यू एन की वैल्यू थ्री पुट किया कुछ और वैल्यू ये सर्टेन वैल्यूज तो अब क्या देख रहे हैं पार्टिकल की कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं पॉसिबल है सर्टेन वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यूज केवल पॉसिबल है कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम क्लासिकली पार्टिकल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहां पर कुछ डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है दैट इज इज ई डिपेंड अपॉन तो ऑलवेज द मल्टीपुल देख रहे हैं हैं यहां पर कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज बीच की वैल्यूज नहीं है वहां पर इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फाइव दैट इन साइड द पोटेंशियल बॉक्स पार्टिकल कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री वैल्यू बट कैन हैव ऑनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड रिमेंबर वन थिंग जब बोलते हैं ई वन तो ई वन क्या है ई वन इज द ग्राउंड स्टेट इनर्जी ई टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ई थ्री सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ई फोर थर्ड एक्साइटेड स्टेट सो एग्जाम में आता है कभी सेकंड निकालिए थर्ड निकालिए ध्यान रखें एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो स्टार्टेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट एन इज इक्वल टू टू यह ध्यान रखेंगे एग्जाम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ अब हमने के की वैल्यू पुट कर दी एन पाई बाई एल तो हमारे पास साई की ये वैल्यू है साई एन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई एल एक्स बट स्टिल वी डोंट नो द ए को निकालना है हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज कर लिया हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज कर ली बट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर डेट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए तब क्या करेंगे हमने कहा था एक कंडीशन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अगर पार्टिकल से रिलेटेड साई है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन सो वो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं किसी फंक्शन के लिए तो वो अप्लाई कर दिया भाई हमेशा अप्लाई होगा मॉड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन सो अगर वो अप्लाई करें तो साई की वैल्यू उठा के पुट कर दें यहां पर ए साइन एन पाई बाई एल एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स बट साई ऑनली हैव वैल्यू जीरो टू वेल्थ रिमेंबर अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अगर पार्टिकल था ना ये बॉक्स था और इसमें वैल्यू का माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी और ये क्या है जीरो से एल रिमेंबर वैल्यू ऑफ साई यहां साई जीरो है साई है यहां साई जीरो है तो अगर कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तो उसको तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं माइनस इन्फिटी टू जीरो जीरो टू एल एल टू प्लस इंफिनिटी और हमारे लिए वैल्यूबल वैल्यू क्या है मीनिंगफुल वैल्यू क्या है ऑनली बिटवीन जीरो टू एल सो वी कैन चेंज दिस इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जीरो टू एल सो वी कैन चेंज दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन

अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे देखो वन की जगह एक्स आ गया एंड कॉस ए एक्स को मान लीजिए इंटीग्रेट करना हो तो साइन ए एक्स बाई एक्स काफिफिश नीचे आता है वही देखिए यहाँ भी हो रहा है साइन टू एन पाई बाई एल इंटू एक्स तो साइन टू ये टू एन पाई बाई एल नीचे आ गया और कॉस की जगह यहाँ हो गया साइन सिंपल इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कॉस टू एन पाई बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एन पाई एक्स बाई एल या एल बाई एल इंटू एक्स टू एन पाई बाई एल कोफिश नीचे ना वी हैव टू पुट दिस एल जीरोक्वल टू एल तो यहां पैदल आ गया जब यहां पुट करेंगे तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू एलपुट किया तो ये एल एल कट गया यहां टू एन पाई ना टू एन पाई तो टू पाई का कोई भी मल्टीपुल हो साइन की वैल्यू जीरो तो ये वैल्यू क्या हो गया जीरो अब जीरो पुट करें एक्स इजक्वल टू जीरो तो जीरो और यहां देखें जब जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो साइन जीरो ये भी जीरो हो गया तो ओनली वैल्यू यू हैव द एल ए स्क्वायर बाई टू एल दैट इज इक्वल टू वन एंड सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू एल अंडर रूट टू एल नाउ ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी वी कैन गेट द रिजल्ट सो इक्वेशन सिक्स बी साई एन इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एल साइन एन पाई बाई एल इन टू एक्स सो नाउ दिस इज द आइगन फंक्शन आइगन फंक्शन और आइगन फंक्शन किसके क्रस्पोंडिंग एनर्जी वैल्यू आई ई एन तो ये आइगन फंक्शन हो गया और ई एन निकाला था वो आइगन वैल्यू है फॉर डिफरेंट क्वांट नंबर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री वी हैव साई वन साई टू साई थ्री एंड सो वन अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी तो हमने क्या निकाला एक प्रॉब्लम सॉल्व की क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन वन डी बॉक्स उसके आइगन फंक्शन निकाला आइगन वैल्यू निकाले और देखें कैसे पार्टिकल में एक्चुअली साई और मॉड साई स्क्वायर में प्रॉबिलिटी वेरी करती है देखें यहाँ पर कि अगर हम एन इज इक्वल टू वन और टू और थ्री तीन के लिए इसको लेके समझने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आता है ये ये जो वेरिएशन है दैट इज फॉर साई एंड दिस वेरिएशन इज फॉर मॉट साइ स्क्वायर तो हम लोग एक कोई समझते हैं बाकी दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा अगर वैल्यू एक्स की पुट करते जाए तो वह फार्मूला जो थाल साइन तो उसमें वैल्यू एक्स की पुट करते जाए तो हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे रिजल्ट को ड्रॉ करें तो यह ग्राफ बन जाएगा देखें एक्स इज इक्वल टू जब वन पुट कर दें तब क्या होता है तब हमारे पास एल बाई टू पर वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमा हो जाएगी मैक्सिमा हो जाएगी तो यहां पर आ जाता है वैल्यू बट जब एन इज इक्वल टू 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 रहेगा तब एल बाई टू पर क्या हो जाएगा जीरो वैल्यू हो जाएगी वो एन पाई के यानी पाई के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा जीरो वैल्यू सो जो जो क्लियर चीज दिख रही है हमको साई एन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साई के लिए बट मॉड साई स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव है मॉड साई स्क्वायर प्रॉबिलिटी पॉजिटिव रहेगी साई एन इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकली कॉर्नर पे पार्टिकल के होने की प्रॉबिलिटी जीरो है साई किनारे नहीं है क्लासिकली हो सकता है क्लासिकली तो डिब्बे में हर जगह पार्टिकल के होने की प्रॉबलिटी बराबर है बट यहाँ पार्टिकल की प्रॉबिलिटी और उसकी वैल्यू सब अलग अलग आ रही है बट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन वी कैन गेट द डिफरेंट प्रॉबिलिटी इज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक ही पॉइंट पर अलग अलग एन के लिए अलग अलग प्रॉबिलिटी है और सो पार्टिकल मिल रहा है हमें सो so, इसको देख के समझ सकते हैं अगर डिस्कस करने के लिए एग्जाम में पूछता है तो इसको डिस्कस कर लेंगे भाई ना वी कैन टेक ए स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें खूब पूछता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दो तरह के न्यूमेरिकल न्यूमिकल वन एनर्जी आइगन फंक्शन के रिलेटेड मतलब प्रॉबिलिटी निकालने के लिए आता है दूसरा आता है एनर्जी निकालने के लिए देखें कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डी रिजिट बॉक्स ऑफ लेंथ एल अब एल दे रखा है और हमें क्या करना है ग्राउंड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के का डिफरेंस निकालना है सो so, मालूम था हमें ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर सो एन इज इक्वल टू वन टू थ्री तो अगर एन को छोड़ दें बाकी सॉल्व कर लें सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये जूल में आ गया और इसको वन पॉइंट सिक्स टेन टू पावर हमारे नाइनटीन डिवाइड कर दिया देन वी हैव थर्टी एट एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और यहां कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट दोनों की एनर्जी निकाल लें एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू थ्री पुट करके ई वन ई थ्री दैट विल बी दिस वन और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो वी कैन टेक द डिफरेंस दैट इज द रिजल्ट तो ध्यान रखें एग्जाम में खूब पूछता है एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट डिफरेंस सब निकाल सकते हैं अलग अलग पार्टिकल अलग लेंथ के लिए एम की वैल्यू दे रखी या इलेक्ट्रॉन था कोई दिक्कत नहीं था इलेक्ट्रॉन जो कुछ और हो तो हम एम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द प्रॉबिलिटी फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द रीजन पॉइंट जीरो फोर फाइव एल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव एल तो ये रेंज दे रखी है Next इस रेंज के बीच में हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है तो देखो ये साई पहले से मालूम था हमें कुछ साई दे रखा हो तो वो साई यूज करेंगे नहीं दे रखा हो तो वही स्टैंडर्ड साई यूज करेंगे जो पार्टिकल वन डायमिशन बॉक्स निकाला है हमने द प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 वन टू एक्स टू पहले पढ़ रखा था एनथ स्टेट में क्या फार्मूला है प्रॉबिलिटी जी x1 से x2 में इंटीग्रेट करना है सो एक्स वन से x2 इंटीग्रेट करना है ये वैल्यू आपने स्टैंडर्ड पुट कर दी ये साइन स्क्वायर आ गया बट साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के लिए कॉस टू थीटा में चेंज करना पड़ता है पहले डिस्कस किया था तो हाफ वन माइनस कॉस ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हाफ वन माइनस कॉस टू थीटा न थीटा की जगह यहां पर टू एन पाई बाई एल इंटू एक्स है एन पाई बाईल टू थीटा हो गया यहाँ थीटा था अब इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट कर दिया भाई वन की जगह आ गया एक्स और वैसे ही जैसे ये नीचे आ जाए कोफिशियंट और साइन टू एन पाई बाई एल एल तो अपॉन साइन टू एन पाई एक्स नाउ एक्स वन टू एक्स टू पुट करना है लेकिन हमारे पास मालूम है एक्स वन क्या था पॉइंट फोर फाइव एल एक्स टू क्या था पॉइंट फाइव फाइव एल ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर पी इज इक्वल टू वन बाई एल एक्स माइनस एल बाई टू पाई यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई देखिएगा ध्यान से साइन टू पाई बाई एल एक्स पॉइंट फाइव फाइव एल पॉइंट फोर फाइव जरा वैल्यू पुट करेंगे तब क्या होता है देखें यहां पर पहले एक वैल्यू पुट की पॉइंट फाइव फाइव है एक्स की जगह पर और एन की एक्स की जगह यहां वैल्यू पुट की यहां भी एक्स टू पॉइंट फोर फाइव और एक्स टू की वैल्यू यहां अब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का कॉन्स्टेंट है ये पॉइंट फाइव फाइव और ये पॉइंट फोर फाइव तो अलग से आ सकता है बाकी वैल्यूज जो हैं वो सिंपली सॉल्व ये ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर होती है जब बाहर होती है बट अगर मान लीजिए कि ये अंदर होती है तो 180 होता है तो 180 पुट करके सॉल्व करेंगे 198 डिग्री 162 डिग्री सॉल्व कर लेंगे सिंपली बाय यूजिंग सी और डायरेक्ट कैलकुलेटर से वी कैन गेट द रिजल्ट दैट इज पॉइंट वन नाइन एट सो नाइनटीन पॉइंट एट इज द परसेंटेज ऑफ गेटिंग दैट पार्ट किल एट दैट पॉइंट ओके तो एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करते रहेंगे थैंक यू